नमस्कार दोस्तों, आज रविवार का दिन और रविवार का दिन आज मेरे सोने का दिन होता है, तो आज मैं थोड़ा लेट उठा। लेट क्या उठा, आज मैं करीब 7:30 बजे उठा तो सोने की कोशिश किया तो लेकिन सो ही नहीं पाया। कितना भी कोशिश करो नींद नहीं आ रही थी, तो क्या करें, तो उठ गया। फिर घर में आधा घंटा यहाँ वहाँ घूमता और घूमने के बाद फिर सोचा फिर जाके सो जाऊँ, लेकिन नींद नहीं आई। और घर में भी क्या करें, घर में भी मेरे लिए कुछ काम है नहीं, तो सोचा चलो बाहर ही चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो कपड़े पहने, बूट पहने, जूता पहना, स्पोर्ट घड़ी लगाया और बाहर निकल आया तो देखा संडे को आज मैदान में भीड़ बहुत कम थी और मैंने सोचा कि आज मैदान में बैठ के सिर्फ प्रकृति का नज़ारा देखा जाए। तो प्रकृति का नज़ारा देखने के हिसाब से मैं सोच ही रहा था कि मेरे एक दोस्त डॉक्टर पीके पाटिल मिल गए और उन्होंने कहा चल मेरे साथ घूम। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो पहले से ही आए हुए थे और मैं फिर उनके साथ घूमने के लिए निकल पड़ा। 5-6 राउंड घूमा रहूँगा, फिर उसके बाद और फिर 5-6 राउंड घूमा और फिर उन्होंने कहा चलो ओपन जिम में। इस मैदान का एक खासियत अच्छा है कि यहाँ पे एक ओपन जिम है, तो हम लोग उस ओपन जिम में गए और वहाँ पे वर्कआउट किया। वर्कआउट करने से शरीर में जान लग गई और खूब वर्कआउट करने के बाद ऐसा लगा कि शरीर में फ्रेशनेस आ गया है। तो पीडी पाटिल ने कहा कि मुझे लेट हो रहा है और मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, धन्यवाद, आप मेरे साथ घूमें, और वो चले गए। और उसके बाद फिर मेरे शरीर में इतना जोश आ गया कि मेरे लिए बैठना मुश्किल हो गया। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अब वॉक करूँगा। और फिर मैंने जो वॉक चालू किया, 1 घंटा घूमा है, 1 घंटे में करीब मैंने 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय किया और अब शरीर में एकदम जोश भर गया है, उत्साह भर गया है। अब दिन भर आज कुछ काम भी नहीं है, तो इस जोश और उत्साह को क्या करना है अभी डिसाइड करेंगे। दोस्तों, मैं रविवार को जा रहा हूँ वैष्णो देवी। मैं अभी तक गया नहीं हूँ, पूरे भारत की यात्राएं मैंने कर ली लेकिन वैष्णो देवी नहीं गया। वैष्णो देवी जाने का एक मौका मिला, हमारे परम मित्र राकेश शुक्ला जी वैष्णो देवी जा रहे थे और उन्होंने टिकट निकाल दिया तो हमने कहा चलो। अब मेरे सामने प्रश्न ये है कि मैं 13-14 किलोमीटर पहाड़ कैसे चलूँ, क्योंकि चलने की आदत तो सरपट जमीन पे है, समतल जमीन पे है, पहाड़ कैसे चलूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप घोड़े से चलना और मैं उसी भरोसे घोड़े या पालकी के भरोसे जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके देखता हूँ कि किस तरह पहुँचूँगा। लेकिन जब माँ ने बुलाया है, माँ ने अपने आप व्यवस्था किया है, तो दर्शन तो ज़रूर होगा और दर्शन करके ही मैं आऊँगा। बहुत वैष्णो देवी सब जाके आते हैं लेकिन मेरा वैष्णो देवी जाना ना हुआ किसी कारण से। हर बार वैष्णो देवी का जाना चलता रहा, हमारे मित्र तो 200 बार जाके आ गए लेकिन मैं नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, अब माँ वैष्णो देवी ने बुलाया है तो माँ का दर्शन भी होगा। और 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 24, 25, 26, 24 की फ्लाइट से जाएंगे, शाम तक पहुँचेंगे और रात को पहाड़ पर चढ़ेंगे। सवेरे दर्शन करके शाम तक फिर उतर आएँगे और रात होटल में रुक के दूसरे दिन फिर फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ जाएंगे। इसलिए शॉर्ट ट्रिप है और इस शॉर्ट ट्रिप में बस एक ही है कि माँ का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत के करीब करीब सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन हो चुका है लेकिन माँ का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वैष्णो देवी धाम वहाँ नहीं गया, तिरुपति नहीं गया, जहाँ कि हर आम आदमी जा पाया है लेकिन मैं नहीं जा पाया। मेरा ये मानना है कि जब देव बुलाएंगे तो आपका जाना होगा। मुझे अब माँ वैष्णो देवी ने बुला लिया है तो मैं जा रहा हूँ। अब तिरुपति भी बुलाएंगे, तिरुपति भी जाएंगे। इसके बाद अभी मुझे गुवाहाटी भी जाना है, कामाख्या देवी, और मेरा गुजरात का सोमनाथ मंदिर रह गया है, सोमनाथ मंदिर और द्वारिका, तो वो भी करना है। अभी तो वैसे भारत में घूमने वाले जगहों की कमी नहीं है, सब जगह ही जगह है, विदेश जाने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत में अच्छे से अच्छी जगह है, दुनिया से अगर सहारा रेगिस्तान है तो भारत में थार का रेगिस्तान है, राजस्थान का रेगिस्तान है। अगर दुनिया में अमेजन के घने वन हैं तो हमारे यहाँ चेरापूंजी में सबसे अधिक बरसात होने वाली जगह है। हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ने वाली जगह कुल्लू है, मनाली है, हिमालय है। हमारे यहाँ
गोवा जैसे बीच है, अंडमान निकोबार जैसे, रावा नदी जैसे बीच है जो दुनिया के क्लीनेस्ट बीच में से है, तो हमारे देश में घूमने की जगह की कमी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ईश्वर चाहेगा तो एक एक करके देख लेंगे। तो दोस्तों, अभी बैठे बैठे मन आया वीडियो बनाना, तो वीडियो बना लिए, तो आपसे बात भी हो गई और आपको भी पता चल गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। धन्यवाद।